नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं आपका मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2022 का है। और ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो इसलिए आप इसको लग्न राशि के आधार पर ही देखें, समझें। प्रिय साथियों, आज जो हम आपके साथ बात करेंगे, जो वृश्चिक लग्न राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, उनके मासिक राशिफल की बात करेंगे सितंबर 2022 की। लेकिन आपको ये भी बताना यहाँ पर जरूरी समझते हैं हम, कि जो भी हमारे जीवन में अच्छे और बुरे परिणाम हमें मिलते हैं, यश अपयश लाभ हानि जो भी मिलता है, ये सब इन ग्रहों के द्वारा मिलता है। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है हम, तो निश्चित रूप से फिर परिणाम भी अनुकूल नहीं मिलेंगे, विपरीत ही परिणाम मिलेंगे, अशुभ परिणाम मिलेंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, और जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनसे हमें सुख मिलेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो संबंध है ये ग्रहों के साथ है, हमारे सुख दुख का, यश अपयश का, मान हानि का, ये सब चीज़ें। तो आइए इस महीने सितंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति आसमान यानी ट्रांजिट में, गोचर में कैसी रहने वाली है, इससे थोड़ा सा आपको संक्षेप में अवगत करा दें। और जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं मेरे पीछे जो डिस्प्ले हो रहा है, ये वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का चार्ट है। तो साथियों, इसमें जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, जहाँ 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं, तो शनिदेव अपनी राशि में बैठे हैं थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में, अपने ही घर में। लेकिन ये वक्री चाल चल रहे हैं फिलहाल, और इनकी वक्री चाल पूरे महीने रहेगी, जिसको हम उल्टी चाल बोलते हैं। तो ये इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला, शनि ऐसे ही रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हुए आप उनको देख रहे हैं। 12 नंबर का मतलब मीन राशि होता है, मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं, तो गुरु बृहस्पति भी अपनी राशि में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। लेकिन ये भी वक्री चाल चल रहे हैं, और पूरे महीने इनकी भी वक्री चाल रहेगी, और इनकी भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे पंचम भाव में, संचार इनका चलता रहेगा उल्टी चाल। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। जहाँ पर 1 नंबर आप लिखा देख रहे हैं वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल, मार्स, और जो कि राहु के परम शत्रु हैं, यानी कि राहु और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो राहु जो हैं वो मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, शत्रु राशि में, और ये घर जो है छठा भाव है, सिक्स हाउस, और ये इसी प्रकार पूरे महीने यहाँ बैठे रहेंगे, कोई इनकी स्थिति में भी चेंज होने वाला नहीं है। आगे बात करेंगे मंगल की। मंगल जहाँ बैठे हैं वहाँ 2 लिखा हुआ है, और ये सप्तम हाउस है, सेवन्थ हाउस, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं, और 2 का मतलब होता है टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, तो कहने का भाव हुआ कि मंगल शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, जो कि इनकी सम राशि है, और उदय और मार्गी अवस्था में है, उनकी अपनी स्थिति मजबूत है, और सप्तम हाउस में बैठे हैं, और पूरे महीने इन ये भी कहीं नहीं जाने वाले, इनकी स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ये भी पूरे महीने यहीं पर ही संचार करते रहेंगे इसी घर में, इसी राशि में। आगे बात करेंगे जहाँ पर सूर्य और शुक्र आप देख रहे हैं एक साथ बैठे हुए, वहाँ 5 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। 5 का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के लॉर्ड जो है वो सूर्यदेव हैं। तो सूर्य अपनी राशि अपने घर में 10th हाउस दशम भाव में बैठे हुए हैं अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। तो सूर्य शुक्र शत्रु हैं, आपस में संबंध बना हुआ है, लेकिन सूर्य 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और अपनी राशि से ये निकलेंगे 17 सितंबर को, और ये जाएंगे कन्या राशि, अपनी सम राशि में, जो आगे वाली राशि है जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं वहाँ जाएंगे सूर्य 17 सितंबर को, जो कि बुध जहाँ पर बैठे हैं, बुध अपनी राशि में बैठे हैं, कन्या राशि है ये 6 नंबर, तो कन्या राशि के स्वामी है बुध, तो बुध अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो बुध के साथ जो है सूर्य बनाएंगे संबंध 17 सितंबर को जा करके, और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। शुक्र जो है 24 सितंबर तक यहीं बने रहेंगे दशम भाव में ही, सिंह राशि में, लेकिन 24 सितंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके ये भी कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कि इनकी नीच राशि है। और 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये 3 ग्रहों की एक साथ संबंध बनेगा,
सूर्य शुक्र और बुध का एकादश भाव 11th हाउस में कन्या राशि में। आगे बात करेंगे जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर आप केतु को देख रहे हैं बैठा हुआ। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के घर में केतु बैठे हुए हैं और शुक्र जो है केतु के मित्र हैं, तो केतु भी अपने मित्र के घर में मित्र राशि में बैठे हुए हैं। ये घर है द्वादश भाव 12th हाउस और ये भी इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने। इनकी स्थिति में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे मैंने आपको अवगत कराया है जो सितंबर 2022 में रहने वाली है। अब इसी के आधार पर आपको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में अच्छे बुरे परिणाम जो है प्राप्त होंगे। लेकिन अच्छे परिणामों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर अगर हम कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन दे रहे हैं इन ग्रहों के आधार पर, उससे आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, क्योंकि अंत में हम उसका उपाय भी आपको देते हैं। सरल तरीके से वो उपाय अगर आपने किए, सरल उपाय होते हैं, आसान उपाय होते हैं, बस श्रद्धा के साथ उनको अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत आराम के साथ निकलेगा। तो आइए अब आपको बताते हैं, वो चर्चा आरंभ करते हैं जिसमें कि इन ग्रहों के अनुसार जो रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की। प्रिय साथियों, 1 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर तक का जो समय है, बहुत अच्छा समय है, ये सफलता का समय है। ये बात ध्यानपूर्वक समझ लें आप वृश्चिक लग्न राशि के जातक। 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक के बीच का समय है, ये आपकी उपलब्धियों के लिए है। आपकी उपलब्धियां आपको हासिल करेंगे, आप सफलता हासिल करेंगे और आपको कोई अचानक कोई पदोन्नति हो सकती है अच्छी, जिसमें आपके अंडर में काफ़ी लोग काम करें और आपका इस महीने एक अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व बना रहेगा और इस व्यक्तित्व का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा, चाहे समाज के लोग हैं, चाहे कार्य क्षेत्र के लोग हैं, चाहे सहयोगी हैं, आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर्स हैं, कोई जो भी हैं, व्यापार करते हैं तो जो आपकी पार्टीज हैं, यानी कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, सभी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो ये जो 17 दिन है आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। आपके जो सीनियर्स होंगे उनकी भी आपके ऊपर पूरी कृपा बनी रहेगी, पूरा उनका फेद आपके ऊपर रहेगा, आप उनके लिए एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन कहलाएंगे। तो आप इस समय का जरूर लाभ लें और समय का लाभ आपको सूर्यदेव देने वाले हैं। अच्छी कोई आपको कोई प्रमोशन आपको मिल सकती है, इसकी अच्छी संभावना है। और 17 सितंबर से लेकर माह के अंत तक, यानी कि 17 से 24 सितंबर तक भी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। 24 तारीख से 30 तक का जो टाइम है, बाद का जो 6-7 दिन, वो सामान्य रहेगा। उसमें कोई ज़्यादा कोई विशेष, मतलब कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई बहुत आपको कोई उसकी लाभ की, बस सामान्य टाइम रहेगा वो, नॉर्मल। ये तो स्थिति आपकी रहेगी कार्य क्षेत्र की। और इसी महीने सितंबर में 24 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके आप भरपूर सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे, उनका लाभ उठाएंगे। कुछ अपने लिए सुख साधन के जो माध्यम है उनमें आप वृद्धि भी आपकी हो सकती है, यानी कि ऐसे वो साधन जिनके द्वारा आपको सुख की प्राप्ति हो उनमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है साधनों में। मान लीजिए कोई नया वाहन खरीद लिया, नया व्हीकल खरीद लिया, या कुछ और चीज़ कोई खरीद ली, जिससे जो कि आपके सीधे सीधे एक तरीके से सुखों से संबंधित हो, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है 24 सितंबर तक सुखों में। आगे बात करते हैं आपकी इनकम की। इनकम की प्रिय साथियों, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के बीच का जो समय होगा, बहुत अच्छी आय आपको होगी, आय के साधन बहुत अच्छे रहेंगे। 10 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक का जो समय है ये मध्यम रहेगा। 17 तारीख से 29 तारीख तक का जो समय है, या तो इसमें आय बहुत कम होगी, या उसमें रुकावट होगी, या बाधा होगी, या फिर नहीं होगी, ये चीज़ है। लेकिन पहले 10 दिन जो हैं इस महीने के, ये आपको बहुत अच्छी इनकम का संकेत दे रहे होने का, और आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, आपके मित्रों का सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा, विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक के बीच का। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, इनकम के लिहाज से भी कह रहे हैं, और आपके जो मित्र हैं उनका सहयोग भी आपको बराबर मिलेगा, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं।
आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए साथियों, प्रेम संबंध जो है, जो पहले से अगर आपके हैं, रिलेशनशिप में हैं आप या आपके अफेयर चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी आपको। और सावधान इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आपका अपने पार्टनर कह सकते हैं या फ्रेंड कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, जो भी आपके मित्र के साथ आपका संवाद हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उस बीच में कोई बात आपके मुँह से जाने या अनजाने कोई ऐसी ना निकल जाए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टेंशन हो जाए, यानी अननेसेसरीली कोई गलत फहमी पैदा हो जाए। आप ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली ऐसा करेंगे, ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा माइंड में रखें, ये चीज़ आप इस महीने, पूरे महीने ये रह सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके बीच में ब्रेकअप होगा या सेपरेशन होगा, इस बात की दूर तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन गलत फहमियाँ प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं आप दोनों के बीच में। इस बात को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सचेत। विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है, विवाह का वैसे भी ये सितंबर का महीना है, देव सो रहे हैं, वैसे भी कोई नहीं बनता है, लेकिन अगर फिर भी चलिए, ये तो हिंदुओं के लिए है, अगर कोई आप किसी दूसरे उससे अपना आपका है ताल्लुक, तो विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो विवाह के लिए भी योग अभी ग्रहों का है नहीं आपके वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का इस महीने। तो ये संबंध जो हैं आपके ऐसे ही चलते रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए इस महीने यूं तो आप बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से फैसले लेंगे और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। और हमने तो पहले ही इस चर्चा के आरंभ में ही आपसे कहा था, जब आपके प्रोफेशन की बात कर रहे थे, कि आपका व्यक्तित्व जो है बड़ा आकर्षक रहेगा, आकर्षण बना रहेगा लोगों के दिल और दिमाग पे आपके व्यक्तित्व का। तो कहीं ना कहीं ये परिवार में भी ऐसा इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के बावजूद भी थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, थोड़ा बहुत। तो इससे थोड़ा सा जरा आप और सावधान रहें, सचेत रहें, और अगर आप थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए पारिवारिक संबंध भी जो हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मध्यम रहेंगे इस महीने आपके परिवार के साथ। ना कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, ना ही कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कि भाई तनातनी है या आपस में बातचीत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मध्यम रिलेशनशिप चलती रहेगी, नॉर्मल सामान्य। शिक्षा की बात करें छात्रों के लिए, तो छात्रों को भी जितना परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से ही उनको परिणामों की प्राप्ति होगी। पूरे महीने की बात कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छे उतने ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कम मेहनत करेंगे कम बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, सीधी सीधी बात है, ये ही ग्रहों का संकेत है। आगे बात करते हैं संतान की। संतान की ओर से भी ऐसा ही रहेगा सेम, माता पिता के लिए अगर आपने थोड़ा मौज मस्ती के मूड में रहेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा के एंजॉय के मूड में रहेंगे तो फिर उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने अपना पूरा फोकस रखा अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम भी आपके अनुकूल ही मिलेंगे। ये स्थिति संतान की है। अब बात कर लेते हैं आपके सेहत की, यानी कि हेल्थ की। हेल्थ आपकी काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगी, बीच बीच में यदा कदा कुछ छोटा मोटा अगर कोई समस्या बन गई तो बन गई छोटी मोटी, अन्यथा हेल्थ आपका चलता रहेगा ठीक। हेल्थ को लेकर के कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी समस्या बन जाए ऐसी दूर तक भी किसी पर ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये तो था आपका मासिक राशिफल की चर्चा। अब आपको वो उपाय बताना चाहेंगे कि अगर आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से आप हर क्षेत्र में आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए हम विशेष रूप से कह रहे हैं, छात्रों को क्या करना है, एक तो गणपति जी की पूजा जरूर करें पूरे महीने, और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर लें, और एक नियमित रूप से माँ भगवती का पाठ जरूर करें, चाहे दुर्गा चालीसा ही करें, ये जरूर करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल 2022 सितंबर का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो हमारे वीडियोस बनेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।